पिछली बार हमने टेंथ का अध्याय एक व अध्याय दो पढ़ा था। आज हम अध्याय तीन अफवाह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अफवाह का मतलब होता है कि जो जिस क्षेत्र में, जिस नदी में, जिस ताल में, जिस समुद्र में, जहाँ तक का पानी बहकर आता है, जिस जिस क्षेत्र का पानी बहकर आता है वह अफवाह कहलाता है, अफवाह क्षेत्र कहलाता है। जिस माध्यम से बहकर आता है वह अफवाह तंत्र कहलाता है, यानी कि जो माध्यम होता है वह तंत्र होता है उसका, तो अफवाह तंत्र उसको हम कहते हैं। जो दो अफवाह क्षेत्रों के बीच में, यानी कि दो बाहु क्षेत्र के बीच में जो ऊंची भूमि होती है उसे हम जल विभाजक रेखा के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है। आप देखोगे कि अफवाह शब्द एक ऐसे नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह आपको पता होगा। अब आप देखो जो नीचे चित्र पॉइंट एक दिया गया है, हालांकि इसमें जल विभाजक रेखा बताई गई है, लेकिन इसी में हम समझेंगे, आपको देखेंगे, दिखाता हूँ मैं कि ये जितना भी क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का जितना बड़ा क्षेत्र है, तो आप देखोगे इसमें विभिन्न बारीक बारीक धारिकाओं के माध्यम से और फिर एक बीच में मुख्य नदी का निर्माण इसमें हो रहा है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आप देखोगे तो ये पूरा क्षेत्र, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पानी, यहाँ से यहाँ तक का पानी आ रहा है। तो बीच में जो ये ऊंची जगह है इसे जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। और जितने माध्यमों से इस क्षेत्र का पानी आ रहा है ये तंत्र, और जो बीच में मुख्य धारा बह रही है ये मुख्य द्रोणी के रूप में, यानी कि मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। तो हमारी जमीन भी इसी प्रकार के आकार की होती है, ऊंचाई लिए होती है कहीं न कहीं, तो वहाँ से पानी दो दिशाओं में विभाजित हो जाता है, तो वह क्षेत्र जल विभाजक के रूप में करता है। कोई भी पर्वत, इसमें आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत, ऊंची भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, यानी कि ये जल विभाजक के नाम से जानी जाती है ऊंची भूमि, जहाँ से पानी का डिवाइडेशन होता है, यानी कि पानी दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि बहुत सी नदियाँ जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है और एक जो बीच के भागों से, ऊंची जगह से या पहाड़ों से निकलती है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी होती है, बारहमासी होती है इसका मतलब, यानी कि पूरे साल भर इनके अंदर पानी रहता है, पानी की कमी नहीं रहती है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि हिमालय पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये बर्फ जब पिघलता है तो भी इन नदियों में पानी आता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। लंबे रास्ते को तय करती है ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है
तथा साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का सहन करती है। मध्य एवं निचली भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोमुख झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। यानी कि इस बात को यदि हम इन चित्रों के माध्यम से समझें तो आपको देख आप इसमें देखोगे कि मुख्य धारा में जो आसपास की नदियां आकर मिलती है वो सहायक नदियां कहलाती है। अवरोधक सेल कट में आप देखो बीच बीच में अवरोधक पैदा होता है, आयताकार में आयताकार अपवाह क्षेत्र और अक्षीय अपवाह क्षेत्र। इधर आप देखोगे तो नदी जब ऊपर से निकलती है तो छोटे रूप में निकलती है, धीरे धीरे बीच में इसमें विभिन्न धाराएं मिलती रहती है और इस प्रकार से ये निर्माण करती है। आप इस नदी में देखो जहाँ से निकल रही है ऊपरी क्षेत्र, यहाँ की स्थिति आप देखोगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं मिलती रहती है और ये बड़े विसर्प यानी सांप जैसी आकृति में आगे बढ़ती है। तो जब ये निकलती है तो तेज धारा के रूप में निकलती है और अपने साथ अनेक चीज़ें बहाती हुई लाती है। जब ये मैदानी भागों में आती है तो फिर इनका बहाव धीरा हो जाता है और इनके साथ बहकर आने वाली चीज़ें ज़मीन में जमती रहती है और ये बीच में कहीं कहीं झीलों का निर्माण भी करती है। गोमुख झील, गो के खुर की तरह की झील, उसी प्रकार से समुद्र में गिरने से पहले ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। विसर्प का मतलब सांप जैसी आकृति लिए हुए। तो ये इन नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम जानते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियाँ हैं जो लंबे समय तक लंबी दूरी तय करती है और इनमें अनेक नदियाँ जो हिमालय से ही निकलती छोटी नदियाँ वो आकर इन नदियों में मिलती रहती है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियों के, हिमालय की जो मुख्य नदियाँ हैं इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, यानी कि जो चीन के अधीन है अभी, वहाँ से मानसरोवर झील है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर पश्चिम की ओर बहती, इस मानचित्र में समझेंगे अपन, पहले अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है, यानी कि भारत के अंदर ये लद्दाख में आकर प्रवेश करती है। इस भाग जो ये लद्दाख वाला भाग है तो इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि झील का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगिस्तान में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलब आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में आकर मिलती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब मानचित्र में इस नदी के बारे में अपन समझते हैं तो मानचित्र में आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा ये कि किस प्रकार से मानचित्र में इसको बताया गया है। आप देखोगे मानचित्र में इस ये मानचित्र, तो यहाँ देखो आप चीन तिब्बत वाला भाग है, तो ये सिंधु नदी का यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इस प्रकार से पश्चिम में बहती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। और आप देखो भारत को काटती हुई जम्मू कश्मीर से निकलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में बहती हुई यहाँ आकर और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। इसमें मिलने वाली नदियाँ देखो आप, पहले नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज में आकर मिलती है। सबसे पहले झेलम नदी चेनाब में मिलती है, फिर चेनाब नदी रावी नदी में मिलती है, फिर रावी नदी सतलज नदी में मिलती है। इस प्रकार से सारी मिलकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ से निकलती है
और भारत में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहती हुई और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये पहले सिंधु नदी के बारे में अपन ने पढ़ा। दूसरा भाग आता है अब गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं कि गंगा नदी का कौन सा क्षेत्र है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलती है। यानी कि गंगा नदी का उद्गम इन दो धाराओं से होता है। एक धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है और दूसरी अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। जो भागीरथी है वह गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा है वह देवप्रयाग से निकलती है। ये दो धाराएं जब आपस में मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में, यानी कि वहां तक ये पर्वतों में बहती हुई आती है और हरिद्वार में आकर ये पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें मुख्य प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वह नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती है, कृषि योग्य भूमि बनाए देती है। अब गंगा नदी के बारे में मानचित्र में समझते हैं अपन, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। इस मानचित्र में आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से दो धाराएं, एक देवप्रयाग, अलकनंदा। यानी कि इस प्रकार से दो धाराएं जब भारत में प्रवेश करने के बाद में यहाँ आकर ये हो जाती है और फिर हरिद्वार के पास गंगा नदी के रूप में बहती है और इस प्रकार से बहती 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 और ये समुद्र में गिरने से पहले, वापस बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व भी ये आप देखोगे अलग अलग धाराओं में विभाजित हो रही है। यानी कि यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी में इस नेपाली क्षेत्र से निकलती है, नेपाली हिमालय से निकलती है नदी है, तो इसमें आप देखोगे शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है। उसी प्रकार से यमुना नदी भी यहाँ से निकलती है और इसके समानांतर बहती है। समानांतर यानी कि साथ साथ बहती हुई और इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। जो यमुना की सहायक नदियां हैं जिनको देखोगे आप, चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां यमुना में मिलती है और अंततः गंगा में यमुना मिलती है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के माध्यम से भी हम इनके अफवा तंत्र को समझ सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीप उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियाँ कैसे और कहाँ से निकलते हैं इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन। बाएं ओर दायरे किनारे की सहायक नदियों के जल के परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि जो यहाँ आकर दो भागों में बढ़ती है तो एक भाग जो भागीरथी भाग है ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है और गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करता है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। जो दूसरी धारा है इसकी वो बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिलकर और अंत में फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों धाराएं मिलने के बाद में इनका नाम बदलकर बांग्लादेश में मेघना हो जाता है।
और ये मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने बताया आपको पहले कि ये नदी समुद्र में गिरने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, जो बांग्लादेश में जाकर और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी धारा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टे का निर्माण करती है, उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन उसका नाम यूं है क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम के पादप पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर शेर इसी के अंदर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। 2500 किमी पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। चित्र 4.3.4 में देखें तो देखेंगे अपन, यानी कि इन नदियों में से जो हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियां हैं, इनमें गंगा एक ऐसी नदी है जिसका पूरा अपवाह क्षेत्र भारत में है और सबसे लंबा अपवाह क्षेत्र भारत का है इसका। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किमी है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों के अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, यानी कि सांप की तरह ये घूमती हुई और आगे बढ़ती है, क्योंकि समतल मैदान में आकर इनका ढाल बहुत धीमा हो जाता है, अतः ये घूमती हुई आगे बढ़ती है। तीसरी हिमालय से निकलने वाली तीसरी बड़ी नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। सतलज और सिंधु नदी जहाँ से निकल रही है उनके बिल्कुल पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, यानी कि पर्वत के दूसरी तरफ चीन में ये बहती है और भारत से बाहर बहती है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, यानी कि हिमालय के साथ साथ बहती हुई नामचा बारवा सीकर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, यानी कि पूर्वी भारत में आकर ये अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केंदुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, यानी कि इसका नाम ब्रह्मपुत्र असम में आकर पड़ता है। उससे पहले इसे दूसरे नाम से जाना जाता है और उसका नाम है दिहांग। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहाँ नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है, यानी कि ये जब मैदान में प्रवेश करती है तो वहाँ बहुत धीरे बहती है, तो इनके साथ बहकर आने वाला घास धीरे धीरे जमता रहता है और इस प्रकार से द्वीपों का निर्माण करता है। तो इस नदी में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। उत्तर भारत की अन्य नदियों में विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपित की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती रहती है, यानी कि गहराई कम है, मैदान बिल्कुल समतल है, इसलिए अपने किनारों को छोड़कर ये किनारे बदलती रहती है। इस नदी को भी हम मानचित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से इसका उद्गम है और कैसे बहती हुई ये आगे बढ़ती है। ये देखो आप, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, यानी कि इन नदियों के पास से ही, और ये बिल्कुल हिमालय के समानांतर बहती 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 चीन के अंदर, और इसका नाम देखो आप, सामंगो नदी, सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है,
और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के पास आकर ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश के साथ ये देखो आप यहाँ से प्रवेश करती हुई और ये असम अरुणाचल प्रदेश आदि में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी की एक धारा आकर इससे मिलती है और अंततः ये समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियों के बारे में आज अपन ने सीखा है। अब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे, अगले भाग में सीखेंगे। जय हिंद।